हाय दोस्तों, मैं बीए फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड चैप्टर है दुख का अधिकार, यशपाल सिंह। अब हम इसका जीवन परिचय देखेंगे। यशपाल सिंह हिंदी के ऐसे अमीर कथकार, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार है। मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित प्रगतिवादी रचनाकारों में यशपाल का अन्य स्थान है। यशपाल का प्रेमचंद परंपरा का कहानीकार माना जाता है। उनकी कहानियों की निजी विशेषता है। उन्होंने उस परंपरा का इसलिए माना जा सकता है कि इसकी रचना प्रक्रिया के मूल में जो जीवन बोध है वे विपश्यति चिंतन से प्रभावित है। यशपाल ने आधुनिकता की चुनौती को भौतिकवाद के वैचारिक धरातल पर स्वीकार किया। यशपाल का जन्म सन 1803 में फिरोजपुर छावनी में पंजाब में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी शिक्षा विधिपूर्ण नहीं हुई। युवावस्था में आते आते वह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। यशपाल का घरेलू वर्तमान आर्य समाजी था और बाहरी वर्तमान में गांधी का प्रभाव था। इस दोनों से अपने स्वभाव के अनुकूल चीज़ें ग्रहण की, परंतु जहाँ वे क्रांतिकारी ऊर्जा के अंडे गए वहाँ उन्होंने छोड़ दिया। इसी समय भगत सिंह, सुखदेव बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी कार्य में खुलकर भाग लिया। इसी विचारधारा के प्रचार के लिए उन्होंने विलुप्त नामक पत्र का संपाद किया। वह नौजवान भारतीय सभा के सदस्य बन गए। वो क्रांति के पथ पर अग्रसर हुए। सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद के मारे जाने पर वह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना और सेनापति नियुक्त हुए। उन्नीस सौ बत्तीस में इलाहाबाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 1938 में रिहा कर दिए गए। तात्पर्य, जीवन यापन में लेखन कार्य के संलग्न रहे। रचनाएं, कहानी, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशाप, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चित्रकारी, फूलों का गर्त, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्रण का संघर्ष, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उतनी उत्तमी की माँ और भैरवी, सच बोलने की भूल, कच्छर और आदमी, भूख के 3 दिन, लेप सेड, वहाँ से दादा, कमरेड, देशद्रोही, दिव्या पाटी, कमेंट, मनुष्य के रूप में, अमिकता, झूठ सच, दो भाग, 12 घंटे, अस्तरा का सांप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, नाटक, नक्शे नक्शे की बात, निबंध, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, जग में गुजरा, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, यात्रा, विस्तृत स्मारण, सिंहावलोकन, 3 भाग, बीजी जो कहती है, मेरा चेहरा रोविली है, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राहाबादी, सर्वव्यान, बिना सांप, सिद्ध ग्रंथ, मार्क्सवाद, गांधीवाद की सर्व परीक्षा, स्वराज्य की कथा, पुरस्कार,
साहित्य सेना के लिए रीवा सरकार द्वारा सन 1955 में देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग द्वारा सन 1970 में सोवियत लैंड पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग में सन 1971 में मंगला प्रसाद परितोषिक भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण अवधित। यशपाल का लेखन अपने क्रांतिकारी विचारों, मार्क्सवादी निष्ठा के कारण समाज से कटा हुआ नहीं है, वस्तु उन्होंने प्रेमचंद की समाजोमुखी गतधारा को मार्क्सवादी विचारधारा में विष्ट करते हुए विकसित किया। प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कथा साहित्य पर दो विचार प्रणालियों का प्रभाव पड़ा, एक मत्स्यवाद और दूसरी मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद को अपना प्रेरणा स्रोत बनाने वाली सामाजिक समाजवादी गतधारा यशपाल प्रतिदिन काज बोल मत प्रतिनिधि रचनाकार है। यही कारण है कि समाज अपनी पूरी शक्तियों, संगीतों, सीमाओं, अंत विरोधों के साथ यशपाल के साहित्य में दिखाई पड़ता है। यशपाल अपनी कहानियों में सामाजिक गर्त के विलक्षण द्रोण दृष्टा के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। यह जीवन की ऐसी कतराने मिलती है जिसमें अर्थ में अर्थ विरोधी वे विस्तृत अनिभूत रूप में साकार हो गई। यशपाल व्यवसायगत परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की जागृत जरूरत को खड़े रंगों में रेखित करते हैं और इस परिवार की दिशा को मार्क्सवादी विचारधारा के आलोक में रेखित करते हैं। सारांश, दुख का अधिकार रचना यशपाल द्वारा रचित है। दुख का अधिकार रचना के माध्यम से लेखक समाज में व्यक्त वर्ग भेद को अभिव्यक्तित करना चाहता है। दुख धनी निर्धन सभी पर आता है, परंतु अनुभव करना और व्यक्तित करना सभी की अधिकार सीमा में नहीं आता। धनी वर्ग के पास इतना अवकाश है कि वह अपने दुख को महीनों लिए बैठा रहे, परंतु निर्धन व्यक्ति के पास दो दिनों का भी अवकाश नहीं होता। वह दो दिन भी अपने शोक में डूबा बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जीवन की परिस्थितियों से उसे यह इज्जत नहीं देती कि वह मुंह लपेट कर आंसू बहाता रहे, क्योंकि अपने ही नहीं बल्कि परिवार के पेट की भूख उसे काम पर जाने को विवश करती, जिसमें उसकी भूख शांत हो सके। जीवन के विभेद को समझने के लिए लेखक जीवन से एक दृश्य उठाता है और उसे पाठों के सामने साकार करता है। एक आखेट उम्र की औरत अपने सामने डलिया में और जमीन पर कुछ खरबूजे रखे हुए बैठी है, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वह घुटनों के मुंह छिपाए फक फक कर रो रही है। रोने का कारण पिछले ही दिन उसके बेटे की मौत, परंतु बेटे की मौत ही अकेला कारण नहीं, कारण है उसकी विवशता, जिसके तह से बेटे की चिंता की आग ठंडी होने से पहले ही बाजार में आना पड़ा। कारण है लोगों के तने जो उसे सुनने पड़ रहे हैं कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे एक दिन नहीं बीता और यह वह दुकान लगा के बैठी है। यह दूसरा ताना अरे जैसी नीलज होती है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तीसरे द्वारा कह जाना अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग टुकड़े पर जान देते हैं। दुकान का लाला कहता है इसके लिए मरे जिए का कोई अर्थ ना हो, पर
दूसरे के धर्म ईमान का तो ध्यान रखना चाहिए। मरने पर तह दिन का सूतक होता है, कोई इसमें खरीद कर तरबूजा खा ले तो उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाए ना। जब उसने बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि उसका एक जवान बेटा था जो थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके जीवन चलाता था। बाजार में खरबूजे को बेचकर रोजी रोटी चलाता था, परंतु पिछले दिन खेत में सांप पर पांव पड़ने पर उसने काट खाया, जरा जहर शरीर में फैल गया। होजा को बुलाकर झाड़ा फूका क्या गया, नाग देवता की पूजा की, घर का सारा अनाज दान दक्षिणा में खत्म हो गया। ईश्वर के यचना भी की गई परंतु कारगर साबित ना हुआ और लड़का चल बसा। जिंदा आदमी फटे हाल में रह सकता है, परंतु मुर्दा को तो दो गज चादर चाहिए ही। सो बजाज की दुकान से कपड़ा लाया गया और इस तरह माँ के कंगन घर का सामान उसे विदा करने में चले गए। लेकिन पेट की आग दुख के आंसू बहने से थोड़े ही बुझती है। बच्चों को तो तरबूजे काट कर खिला दिए, परंतु बेटे की बहू बुखार के कारण तप रही थी, उसके लिए कोई क्या करे। बेटे के अभाव में कोई उधार भी देने को तैयार नहीं। सो बुढ़िया रोते रोते तरबूजे लाई, मैं समेट कर बाजार की ओर चली, परंतु दुख के कारण आंसू थम नहीं रहे थे। इस फकफक को रो रही और लोग उसे पत्थर दिल कहकर गालियां दे रहे थे। यह दिल से लेखक के संवेदनशील मन को भिगो देता है, परंतु फिर उसकी सामाजिक हैसियत सुंदर पोशाक उसके पैरों में जंजीर डाल देती है और वह आगे बढ़कर ना तो उसके बारे में कुछ पूछ पाता है और ना ही सहानुभूति अभिव्यक्त कर पाता है। परंतु पिछले साल पड़ोस में ही घटित उस घटना से इस घटना की तुलना करना है जिसमें पुत्र की मृत्यु के शोक में माँ ढाई महीने तक पलंग से ना उठ सकी, बार बार मूर्छित हो जाती, या मूर्छित ना भी आए तो आंखों में नियंत्रण आंसू बहते रहते। पुत्र तो गया ही, माँ की हालत भी इतनी शोचनीय हो गई कि दो डॉक्टर उसका ध्यान रखने के लिए नियंत्रण मौजूद रहते। माँ की इस अवस्था को देखकर शहर भर उस दुख के दीवित था। प्रश्न उठता है कि क्या उस गरीब माँ का दुख कम था या वह धनी महिला पुत्र वियोग के आधार शोकतुर थी। शायद नहीं, क्योंकि उसकी माँ का दुख दुगित हो जाता है जो चार दिन पुत्र के शोक में आंसू भी नहीं बहा सकी। जीवन की कठोर सच्चाई उसे दुखी होने का अभी अधिकार छीन लेती है और उसे विवश होकर पेट भरने के लिए बिल खाते, बच्चों की भूख मिटाने के लिए, बुखार से तपते बहू के इलाज के लिए मन महसूस कर दिल पर पत्थर रख कर बाजार की ओर निकलना पड़ता है। लेखक कहता है कि गम मनाने के लिए, शोक करने के लिए भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अंत दुखी होने का अधिकार सबका नहीं होता, वह हक भी शायद संपन्न वर्ग की वह होती है। लेखक इस निबंध के माध्यम से आज के संवेदन शून्य होते जा रही है समाज पर दृष्टि डालता है। यह समाज जहाँ ऊँचा नीच के
नीच में अंतर ना उनके दुख को दुख से द्विगुण होता है, बल्कि व्यक्ति की विपश्चता ना समझकर समाज में व्यक्त रूढ़ियों परंपराओं की दुहाई देता है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन किन परिस्थिति का सामना कर रहा है। मुख्य विचार बिंदु: पोशाक ही वह आधार बिंदु है जो मनुष्य का वर्ग व श्रेणी निश्चित करती है। समाज में पोशाक का अधिक महत्व है, क्योंकि उसके अधिकार से दर्ज को वही निरूपित करती है। कभी कभी वेशभूषा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत से रास्ते खोल देती है। कभी कभी पोशाक पैर की जंजीर भी बन जाती है, क्योंकि हम निचली श्रेणियों के व्यक्ति के प्रति झुककर उसके मन का भाव दुख दर्द सामने में समझाने में स्वयं को असहाय समझते हैं। कटी हुई पतंग जैसी हवा के भर के कारण सहजता ही भूमि पर नहीं आ गिरती, उसी प्रकार सुंदर रुचिपूर्ण वेशभूषा हमें कुछ परिस्थिति युवस झुकने से रोकती है। व्यक्ति की नियत जैसी होती है, ईश्वर वैसी ही बरकत देता है। निर्धन व्यक्ति का बेटा बेटी धनीमान सब रोटी का टुकड़ा है। जवान बेटे के मरने पर देह दिन के सबूत होता है। यदि कोई उसके दूसरे बच्चे गए तरबूजे खा ले तो उसका तो बेईमान धर्म ईमान धर्म भ्रष्ट हो जाए। जवान बेटे को सर्प द्वारा काटे जाने पर ईश्वर से प्रार्थना की गई, परंतु वह एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। जब तक व्यक्ति जिंदा है वह बिना वस्त्रों के या फटे हाल रह सकता है, परंतु मुर्दा को तो नंगा बदन नहीं किया जा सकता। बेटे की विदा के साथ साथ भगवान भी विदा हो गए और घर की चूनी भूसी भी उसे विदा लेने में चली गई। बेटे के बिना घर की आमदनी का नजरिया खो जाने पर कोई इन्हें दो पैसे उधार देने वाला भी नहीं था। जब मन को कुछ सबूझता नहीं तो बेचैनी के कारण कदम और तेज हो जाते हैं। ईश्वर के सभी व्यक्तियों को दुखी होने का अधिकार नहीं दिया। वर्ग भेद की खाई यह अधिकार भी कुछ विशेष लोगों को ही देता है। शोक बनाने के लिए, गम बनाने के लिए कम बहुत कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है।